जो सबसे आगे। हमारे पहले लिटिल चैंप नीलाद्री अपने आप को वर्सेटाइल सिंगर मानते हैं, और वो वर्सेटाइल है भी, तभी तो वो मन्ना डे से लेकर किशोर कुमार तक के गीत बड़ी आसानी से गा लेते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि उनका मुकाबला अगर किसी से है तो वो है नितिन से। तो देखते हैं कि आज नीलाद्री सुपर सिक्स में पहुंचेंगे या नहीं। तो स्वागत कीजिए अदनान के अनोखे कोलकाता के रसगुल्ले नीलाद्री चटर्जी का। नीलाद्री कैमन आ चुको? भले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बच्चे बेस्ट ऑफ लक, आज आपकी ओपनिंग है, सिक्स रन मारना। थैंक यू सर। नीलाद्री, आपको पता है ये गाना ओरिजिनली किसने गाया है? मीका सर ने। नहीं यार, ये ओरिजिनल गाना किशोर दा ने गाया है। हाँ। तो मैंने थोड़ा ट्राई करा लेकिन मेरा फ्लूक चल गया। तो भी नीलाद्री, चलो पहले मीका पाजी से ही पूछ लेते हैं। मीका पाजी,
बहुत अच्छा गाया यार आपने, और जो आपने एंट्री मारी है मिका सिंह की, जरूर अदनान भाई ने बोला होगा या किसी ने बोला होगा ऐसे करो। तो लास्ट टाइम भी कोई बच्चा कर रहा था कमॉन कमॉन, तो मैं यार ये आदत कम करूंगा मैं अभी। तो बहुत अच्छा गाया आपने, और एक मैंने बंगाली में गाना गाया, मुझे उसकी मतलब तो पता नहीं था। पगलू थोड़ा सा कर ले सितम, तो ये आपके लिए पगलू थोड़ा सा कर ले सितम। ओके गुरु कैलाश, जिस तरह से आपने अटेम्प्ट किया है नीलाद्री, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एटीट्यूड बहुत गजब था, आवाज क्योंकि बालक की है तो वो वाले पंच मिस हो रहे थे शुरू में, लेकिन फिर भी आपने एटीट्यूड से वो ओवरकम कर दिया, तो बहुत मजा आया और बल्ले बल्ले कर दिया। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो तुम गा रहे हो ना, ये सब ऊपर वाले की देन है, ये तुम नहीं कुछ कर रहे, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है बाप पे। किसकी आवाज थी ये? ये सन ने कैलाश जी का नकल किया। गुरु जावेद, नीलाद्री मुझे अच्छा लगा गाना, लेकिन मुझे एक चीज लगी कि अगर हाफ नोट और ऊपर होता इस गाने का तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा और ब्राइट हो जाता था, अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस सुपर। गुरु अदनान, बच्चे मुझे आज की आपकी परफॉर्मेंस में बहुत मज़ा आया, ये एक नया नीलाद्री सामने नज़र आ रहा है जिसमें बड़ा स्टाइल है और अदा है, विच इज़ वेरी नाइस, और आई रियली एंजॉयड इट, बहुत बहुत ज़बरदस्त। हाँ बच्चे, वेरी नाइस, थैंक यू सर। महागुरु नीलाद्री, तुम्हारा गाना मुझे अच्छा नहीं लगा। दरअसल क्या बात है, असली बात बताती हूँ, इनकी तारीफ कर करके थक गई हूँ मैं, कितनी तारीफ करूँ। नहीं वो महागुरु बहुत दिनों से वो नहीं सुना है, वो काकड़म काकड़ी बहुत दिन हो गए तो अच्छा? उसको सुने हुए तो। दर आपके 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 मुंह से सुने कैसा लगता है? काकड़म काकड़ी कोर्ची ना कड़क काकड़म काकड़ी। थैंक यू मैम, खूब हालो, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैम, थैंक यू महागुरु। अभी वक्त आ गया है जनता से भेजे रिपोर्ट कार्ड देखने का, और ये देखने का कि आप सुपर सिक्स में पहुंचे हैं या नहीं। नीलाद्री आप फिलहाल सुपर सिक्स में नहीं पहुंचे, यानी आप बॉटम टू में। आज बॉटम टू में से सिर्फ एक लिल चैंप ये मन छोड़कर जाएगा। एक मिनट, नीलाद्री ने पिछले हफ्ते कौन सा गाना गाया था जिस पर वोटिंग हुई होगी? ये इश्क इश्क आई थिंक कवाली थी, कवाली, और वो गाना था ना मोहित का गाना था, मोहित चौहान का। अभी कुछ दिनों से तो बच्चा है, अभी कुछ दिनों से मेरे ख्याल में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी। हां दोनों परफॉर्मेंस जी बहुत गजब हुई है दोनों एपिसोड्स में। पता नहीं, दिस इज माय पर्सनल व्यू कि सब अच्छा गाते हैं, और बल्कि नितिन, सलमान, अजमत, बनाली, रिंशा सब बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन नीलाद्री इज़ द ओनली सिंगर जिसे मैं कंप्लीट सिंगर मानती हूँ, क्योंकि ये हर किस्म का गाना उतनी ही खूबी से गा लेता है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ये गुण इसका पता नहीं जनता ने अभी तक शायद पहचाना नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे। नीलाद्री मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा था, एक चतुर नार, बहुत अच्छा आपने गाया था। भगवान तुम्हारे साथ है, इतने गुरुजन तुम्हारे साथ है, और मिका पाजी भी तो साथ है, मैं है ना साथ। तो नीलाद्री अभी फिलहाल आप बॉटम टू में है, हॉट सीट पर जाके बैठ जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सबसे आगे